सर। नो सर। आ रही आवाज? यस सर। हैप्पी ओके गुड। लिफ्ट में क्या आ रहा है? हाँ जी बेटा। टेस्ट में क्या आ रहा है? टेस्ट में कभी और बड़े भाई सब आएंगे उनको, है ना? ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो एक तो कुछ पार्ट हटा दिए गए आपके कोर्स से, वो आपको पता होगा शायद कौन कौन से कोर्स हटाया आपका, उसमें जाए तो आप नोट कर लें। एक तो व्याकरण जो खंड है उसमें अलंकार हटा दिया गया है, अलंकार बिल्कुल नहीं है आपके, और पद्य में बिहारी तो है ये भी हटा दिया है। महादेव वर्मा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह हटा दिया है। वीरेन डंगवाल, टॉप, ये भी हटा दिया है। और चौथा पार्ट है रविंद्रनाथ टैगोर आत्मत्राण, इसको भी हटा दिया गया है। गद्य भाग है उसमें सीताराम शेखसैया डायरी का एक पन्ना, जिस पार्ट को हमने पढ़ा था, पढ़ लिया कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन इसको हटा दिया, आपके कोर्स में नहीं रहा है। प्रहलाद अग्रवाल पी श्री कसम की शिल्प का बड़ा पाठ है, थर्मल ऊपर है, और इसको भी हटा दिया है। अंतोन चेखव पिछली बार नहीं था, गिरगिट वाला जो पाठ है वो हटा दिया है। और रविंदर केलेकर पतझड़ में टूटी पत्तियां से गिन्नी का सोना हटाया है, दूसरा पाठ है, दो दो उसमें जो प्रसंग है उसमें गिनने का सोना हटा दिया है। तो इस तरह से ये आपके जो पाठ हटा दिए गए हैं। अब इसमें सीताराम जी शेखसैया पढ़ लिया आपने, कोई बात नहीं, पढ़ लिया अच्छी बात है। और आज पढ़ेंगे हम तंतारा वामिरो। तंतारा वामिरो में कुछ पढ़ा था उस दिन, तो आगे पढ़ेंगे हम तंतारा वामिरो में। ततारा वामिरो का जो पेज नंबर 80 है, पेज नंबर 80 के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, दूसरा शुरू करेंगे हम। ठीक है भाई, सुन रहे हो सब? अंगूठा सर, पेज नंबर 82 के सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट सही करेंगे बोल रहा हूँ मैं? सर पेज 82 से करना है हाँ बेटा, सर 82 से करना है करना है क्या? सर। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 82 से पढ़ना, वेरी गुड, ये उस क्लास में पढ़ाया हुआ मैंने। तो कुछ समय बाद पासा गांव, पासा गांव दो गांव थे, लपाती और पासा, तो पासा गांव में पशु पारू का आयोजन हुआ। पासा कौन था याद है आपको? नहीं, पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं में युग्मों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी, अर्थात मेला लगता था, पर्व होता था, उसमें तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते थे। उसमें हष्ट पुष्ट जो अच्छे नौजवान युवक है उनकी भी शक्ति प्रकट होती थी, पहलवानी, उनकी भी कुश्ती वगैरह हुआ करती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं और गांव के लोग, पूरे गांव के लोग उस पर्व के अंदर सभी भाग लिया करते थे। और क्या नाम से जो ततारा है उसको खास तौर से बुलाया जाता था, सब जगह पहले पढ़ा हमने कि आसपास के गांव के लोग जो उसको आमंत्रित करते थे, और उस आमंत्रण में ततारा जाया करता था, वो तो ततारा भी गया था। बाद में नृत्य संगीत शाम को जो समय होता है, जैसे अपने छोटा महल मेला लगता है, दिन और प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, और शाम को नृत्य होता है, संगीत होता है, गाना होता है, बजाना होता है, और भोजन का भी आयोजन होता है, सब सामूहिक भोजन बनता था, सामूहिक भोजन भी एक साथ किया करते थे वहां पर। शाम के से सभी लोग पासा में एकत्र होने लगते हैं, और इसे शाम होती अपने अपने कार्यक्रमों से सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, और धीरे धीरे विविध कार्यक्रम शुरू हो गए। उसके बाद जो कार्यक्रम है गाने के, बजाने के,
नाचने के और खाने के वो होते हैं। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिग्न था, अर्थात ततारा भी गया हुआ था लेकिन उसका मन बिल्कुल वहां नहीं लग रहा था, उसका मन तो केवल वामिरों की ओर था, वामिरों उसको दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए वामिरों की ओर इसका मन लगा हुआ था। उसकी व्याकुल आंखें, व्याकुल होता है जो दुखी आंखें परेशान आंखें, वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी, अर्थात वामिरों कहाँ है किधर से आएगी, कहाँ छिपी हुई है, हो सकता कहीं से देख रही हो मुझे, इस प्रकार से वो वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई ध्यान कर दिखा, उसे देखा तो बहुत सारे नारियल के पेड़ थे वहां पर, अभी भी बहुत सारे नारियल के पेड़ है अंडमान निकोबार में, तो किसी पेड़ के पीछे जो वामिरों है उसको देखती हुई पाई गई, देखा उसने। उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, उसके पास गया, पेड़ के पास गया, हो सकता कोई दूसरा हो, शाम हो गई ना तो शाम में दिखाई नहीं दे रहा था, इनसे नजदीक गया और देखा उसने तो वहां पर वो वामिरों थी खड़ी हुई थी, उसको इंतजार कर रही थी, उसको देख रही थी, उसको निहार रही थी, है ना। वह वामिरों थी जो भयवश, भय यानी डर के कारण सामने आने में झिझक रही थी, अर्थात लोग देखेंगे कि माँ वगैरह देखेगी, गाँव के लोग देखेंगे, युवा देखेंगे, पता चलेगा तो बात ठीक नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए वो चुपचाप उसको उसी पेड़ के पीछे से वहां से वो देख रही थी। उसकी आंखें तरल थी, तरल पानी भीगी हुई, आंसू से थे हुए आधे दिन में, होंठ कांप रहे थे, जब आदमी स्थिति में होता है तो उसके आंखें लाल हो जाती है, आंखें के नाम से तरल हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आता है और होंठ भी कांपते हैं, तो उसी प्रकार से उसके होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही फूट कर रोने लगी, जैसे ततारा उसको दिखा, ततारा पास गया और जोर जोर से उसको के सामने ही रोने लगे। ततारा विवल था, व्याकुल था, क्या करे क्या नहीं करे, पकड़े उसको या चुप करे उसको, कुछ नहीं कर पाया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, अर्थात वो केवल देख रहा था उसको, उसको ऐसे प्रेम की अवस्था में, प्यार की अवस्था में उसके हाथ पर कुछ काम कर नहीं रहे थे, चल नहीं रहे थे, और वह केवल उसको देखता रहा और बोल भी नहीं रहा था, बोल भी नहीं रहा था, उससे बात भी कर रहा था। वो रोने की आवाज लगातार ऊंची जा रही थी, अर्थात जो ततारा वामिरो है वो जोर जोर से रो रही थी और उसकी जो रोने की आवाज है बहुत दूर तक फैल रही थी ताकि लोग सुन लें, ऐसी आवाज उसके वहां से निकल रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ था, किम कर्तव्य विमूढ, क्या करे क्या नहीं करे, किम क्या कर्तव्य, कौन सा काम करें, विमूढ, बुद्धि का क्या नाम से मृत्यु जाना, तो वैसा था क्या करे क्या नहीं करे इस स्थिति में था। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बुझा उठी, अर्थात जब वामिरों रोए तो वामिरों के रोने के स्वर क्या नाम से, हाँ तो उसकी जो माँ ने उसकी आवाज सुनी रोने की और वो भी उसके पास दौड़ी हुई चली आई और दौड़ी आकर के वो आग बबूला हो गई, गुस्से में हो गई, ततारा पर काफी गुस्सा किया उसने, उसको कुछ सुनाया बोला, उसको कुछ शब्द कहे, तो इस प्रकार से वहां एक खेल चल रहा था। सारे गांव वालों की उपस्थिति में दृश्य उसे अपमानजनक लगा और जब मेला लग रहा था, मेले में गाँव के लोग आते हैं, ऐसी स्थिति में उसको ये स्थिति अपमानजनक लगी, ठीक नहीं लगी कि वहाँ लोगों के सामने पब्लिक के सामने से बेइज्जती हुई। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहीं पहुंच गए और देख देख के उसके गांव के कुछ लोग थे वो भी वहां पर एकत्रित हो गए, वहां चले गए, पहुंच गए और ये सारा दृश्य वो देखने लगे। वामिरों की माँ क्रोध में उभर उठी, अर्थात बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा किया उसने ततारा पर, बहुत ही नाराज हुई, उसको उल्टा सीधा सुनाया, कुछ बोला उसको, उसे ततारा को तरह तरह से अपमानित किया बोल करके, कुछ अपशब्द बोल करके और अपनी वाणी से उसको ततारा को अपमानित किया। गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगी और जो उसके गांव के लोग थे वो गांव वालों के साथ बोलेंगे, अर्थात वो भी उसके साथ साथ ततारा को कहने लगे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है,
अच्छी बात भी है, जो तुम जानते हो कि एक गांव के उनके होने के अलावा दूसरे गांव से शादी नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसको समझने लगे और उसको डांटने लगे, आवाज उठाने लगे, ये पिताधारा के लिए असहनीय था। पिताधारा ने ऐसा पहला कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, कभी उसके साथ हुआ नहीं था, इसके लिए उसके लिए बहुत ही असहनशील था मामला है। वामी रो अब भी रोए जा रही थी और वामी रो उसकी प्यार में व्याकुल थी, परेशान थी और वो रो जा रही थी, लगातार रो रही थी। ततारा भी गुस्से में रुका और जब सर होना देखा तो ततारा भी गुस्से में आ गया, बहुत गुस्सा आया उसको भी। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोक था, अर्थात ये कौन सी परंपरा है कि गांव की बच्चे की शादी एक ही गांव में होगी, दूसरे गांव के लोगों से शादी नहीं होगी, तो ये कौन सा परंपरा है, कौन सा नियम है, इस पर उसको बड़ा शोक था, बड़ा दुख था उसको। वहीं अपनी असहायता पर की, अर्थात कुछ कर नहीं पा रहा था वो, करे तो क्या करेगा, तो बहुत से लोग उसके दूसरे सामने थे तो उनके सामने कर भी क्या कर सकता ऐसी स्थिति में। तो उस पर उसको खींच के गुस्सा था कि मैं ये रो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का उसको बड़ा गुस्सा था। वामीरा का दुख और गहरा कर रहा था, और जो वामीरा जो रो रही थी उसका जो दुख है वो ततारा को भी और दुखी हो रहा था वो, कि ये इसका रोना अच्छी बात नहीं है, क्यों रो रही है। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए, अर्थात क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, स्थिति में अकेला हो जाता है आदमी तो उसकी बुद्धि इन कर्तव्य मूड हो जाती है, क्या करें क्या नहीं करें, ये स्थिति ततारा की वहां पर हो गई थी। अनायास उसका हाथ तलवार के मुख पर जा रहा, तलवार लकड़ी की तलवार जिसको हमेशा अपने पास रखता था और जिसका कभी प्रयोग नहीं किया था उसने, इसका कभी उपयोग नहीं लिया था, उसके बारे में कहते थे उसके अंदर दैवीय शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसी समय उसका जो हाथ है वो तलवार की मुठ होती है, जो पकड़ने होता है ऊपर का हिस्सा उसको बोलते हैं मुठ, मुठ पर जा पहुंचा। क्रोध में उसने तलवार निकाली, गुस्सा आया और गुस्से के अंदर से तलवार निकाल ली और कुछ विचार करता रहा, कुछ सोचता रहा क्या करे, किसको मारे उससे तलवार से, वो किसको धोपे, विचार करता रहा, क्रोध लगातार आग की तरफ बढ़ रहा और उसका जो क्रोध है जैसे आग लगती है ना, आग बढ़ती है, वैसे उसके हृदय में अग्नि की तरह क्रोध उसका बढ़ता जा रहा था। लोग सहम उठे, क्या होगा, पता नहीं क्या करेगा ततारा, किसको मारे है? ये लोग वो इस दृश्य को देख करके और सहम उठे, एकाएक एक सन्नाटा सा खिंच गया, नहीं आए अर्थात लोग सहम उठे, एक सन्नाटा खिंच गया, सब जगह शांति होगी, सन्नाटा मतलब शांति हो जाना, चुप क्या हो गया सब, पता नहीं क्या करेगा, ये तलवार से किसको मारेगा, तलवार से किसको खींचेगा, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति बल से धरती में घोंप दिया, जब उसको कुछ नहीं दिखा गुस्से में तलवार को निकाली और तलवार को निकाल करके उसका थोड़ा सा हिस्सा जमीन के अंदर उसने डाल दिया, घोंप दिया और ताकत से उसे खींचा और अपनी फुल ताकत से वो उसको तलवार को खींचते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। वह पसीने ना उठा था, उसको बहुत क्रोध तो था ही, क्रोध के साथ साथ तलवार सूखी द्वारा उसको खींचना और तलवार जब खींचेगा तो उसको पसीना आएगा उसके मन के कारण, तो पसीने से भी ना उठा है ना, सब घबराए उसे, सारे घबराए क्या होगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है, तलवार को उसने जमीन में गाड़ दी है और खींच जा रहा है और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया और तलवार को खींचते हुए वह जमीन में और काफी दूर तक वह आगे निकल गया, पहुंच गया। वह हाँप रहा था, थक गया था और परिश्रम से मेहनत से हाँप रहा था, उसके अंदर सांस भर गई थी। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, अर्थात जहां तक लकीर खींची वहां एक दरार होने लगी, वहां बड़ा सा छेद बड़ा सा दरार सी हो गई, जहां पर उसने तलवार डाली तलवार खींचता हो गया वहां पर दो टुक हो गए, उसमें दरार हो गई, दो भाग हो गए उसके, है ना, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो और
ऐसा लगा जैसे जमीन दो भागों में दो टुकड़ों में बट गई हो। एक रेड़ाड़ सी जूझने लगी और लकड़ी की सीध में धरती फटती जा रही थी। जैसे जैसे लकड़ी लकड़ी जा रही थी, जैसे तलवार खींच रहा था, ऐसे ऐसे धरती दो भाग हो जा रहे थे, दो भाग उसके दो टुकड़े होते जा रहे थे, धरती फट रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तरह धरती को मानो क्रोध से काटा जा रहा था और उसका क्रोध बहुत तेज था, गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से के कारण वो क्या नाम से उसको खींचा जा रहा था और खींचते हुए जा रहा था। तो जहां तक गया वहां धरती फट गई, दो भाग हो गए, सभी भयाकुल हो गए, भयाकुल डर गए, सब घबराए हुए थे। लोगों ने ऐसे दृश्य कल्पना नहीं किया था, लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, जमीन से फट जाएगी, जमीन के दो भाग हो जाएंगे, तलवार इतनी ताकत में निकलेगी, अर्थात ताकत का जो तलवार की जो ताकत है, तलवार का जो बात हुआ है वो उनको फिर सुनाई दिया। वे सिहर उठे, उधर वामिरो फटती हुई धरती किनारे चीखती हुई दौड़ती रही थी और वामिरो भी पीछे पीछे तलवार के पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। जैसे तलवार जा रही थी इसी से वो जमीन के दो टुकड़े हो रहे थे, उसी टुकड़े के साथ साथ वो ततारा भी आगे जा रहा था और उसको आवाज लगा रही थी, ततारा 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 इस प्रकार से आवाज लगाती हुई उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई और जो आवाज आ रही थी, जो धरती फटी उसकी आवाज से उसकी जो आवाज है वो दब गई थी। ततारा दुर्भाग्य और दूसरी तरफ था, ततारा आगे था, दूसरी तरफ था, दूसरी भाग में था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वो जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, वह तो लास्ट यहाँ तक पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। जो वहां का द्वीप है वो दो भागों में बट गया, दो भागों में विभक्त हो गया, दो टुकड़े हो गए उसके, एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ उस छोर पर तो ततारा खड़ा था और इधर इधर वाले इस छोर पर वामिरो खड़ी थी। वो ततारा जैसे होश में आया, जैसे उसका गुस्सा ठंडा हुआ, जैसे उसके मन में शीतलता आई, उसने देखा उसकी तरफ का दीप स्वरूप समुद्र में धस गया। उसने देखा कि जहाँ से उसने को खींचा, जहाँ से दीप बना, वो समुद्र के निकला गया। वो छटपटाने लगा, गुस्सा आया, सॉरी छटपटाने मतलब व्याकुल हो गया वो, और उसने छलांग लगा कर दूसरा सिरा थामना चाहा किंतु पकड़ ली थी। उसी गुस्से में उसने अपने छलांग लगा करके और दूसरे सिर को पकड़ा, लेकिन वो पकड़ ढीली हो गई और वो आगे निकल गया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज ऊपर रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 कर रही था, दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे, वो ततारा ततारा कर रही थी और उधर वो वामिरो वामिरो कर रहे थे, एक इस छोर पर एक उस छोर पर, दोनों किनारे अलग अलग थे। ततारा लहूलुहान हो गया पसीने में और के नाम से खींच लिया और लहूलुहान हो गया, वह अचैत होने लगा है और कुछ देर बाद उसे बेहोश नहीं रहा, थोड़ी देर बाद उसको बेहोश हो गया, होश नहीं रहा। वह कटे हुए दीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जब दीप कट गया उसका जो अंतिम भूखंड था सिरा था वहां पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोग जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा ये पता नहीं, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता, पता कहाँ गया इधर बाहर ये किसी को पता नहीं है कहाँ चला गया। इधर वामी लोग पागल हो गई और उसके प्यार में, उसके अभाव में, उसके वियोग में जो वामिरो है वो भी पागल हो गई। वह हर समय ततारा को खोजती हुई, अर्थात हर समय जहाँ देखो जहाँ ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठ रहती, वहीं जाती जहाँ पर उसको गीत सुनाया था और वहाँ पर घंटों बैठ करके उसको गीत सुनाती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वो एक तरह विलग हो गई, परिवार से अलग हो गई, घर छोड़ दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, एक तरह पागल होकर घूमती रही। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग नहीं मिला और पता नहीं कहाँ चली गई, वामी भी कहाँ चला गया चली गई और ततारा भी कहाँ चला गया, लोगों को दोनों नहीं मिले। आज ततारा है वहाँ पर उसी स्थान पर, न वामी दोनों नहीं, किंतु उनकी ये प्रेम कथा अगर हो जाती है, उनकी ये कहानी प्रेम कहानी लव स्टोरी है वो आज वहाँ के हर घर में हर व्यक्ति हर जवान के चेहरे पर है, वो पर ऐसा नहीं जा सकती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूर का लंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है।
कार निकोबार अंडमान से दूर है। निकोबारे इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तो आज परंपराएं टूट गई, एक दूसरे गांव में आपसी संबंध होने लगे, आना जाना शुरू हो गया, प्यार मोहब्बत बढ़ गया, भाईचारा बढ़ गया। सतारा वामनों के त्याग में मृत्यु शायद इसी सुगत रत्न के लिए किया था, जो त्याग सतारा और वामनों का जिनकी मृत्यु हुई, जिनका जो अनुभव हुआ वो उसी गाँव के अंडमान निकोबार वासियों के लिए एक प्रकार से शुभ सहयोग रहा है, अच्छी बात रही। तो किसी अच्छे काम के लिए, किसी बुरे काम खत्म करने के लिए कोई अच्छा काम करना पड़ता है, अच्छा काम है त्याग करना पड़ता है और बलिदान करना पड़ता है, तो उन्होंने किया। और इसके प्रश्न हम देखेंगे, अभी टाइम हो गया, शर्म आ गई है। और ठीक है सब, हमने आ रहा सबको आ रहा समय एंड करो ना मैम। यस सर। ओके बेटा, पढ़ेंगे भाई ना।